हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल मौसम मेडिकल हेल्प में। एक बार फिर से आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। सो गाइस, आज के टाइम में हर लड़की, हर लड़के, हर जेंट्स, हर लेडीज़ का सपना होता है कि हम सबसे सुंदर दिखें, हमारा फेस पे कोई भी ड्राइनेस ना हो, कोई भी स्पॉट ना हो, कोई भी झाइयाँ ना हो और चेहरा हमारा क्लीन दिखे। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ गाइस। आज मैं आपको एक ऐसी क्रीम बताऊंगा जी, उस क्रीम को लगाने से आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ना ही कोई स्पॉट रहेगा, ना ही कोई झाइयाँ रहेंगी, ना ही कोई ब्लैकनेस रहेगी, ना ही कोई डार्कनेस रहेगी। सो गाइस, सबसे पहले उस क्रीम का नाम बताता हूँ। उस क्रीम का नाम है मेला बेस्ट क्रीम, जो हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले चलते हैं उस क्रीम की साइड इफ़ेक्ट की ओर। उस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? पहला, उस क्रीम को आप दिन में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि दिन में लगाओगे तो सूरज से उस क्रीम को एलर्जी होती है और आपके चेहरे पर रेडनेस ला सकती है। लेकिन मेरे पास काफ़ी पेशेंट आए हैं, उन्होंने यही बोला है कि अरे सर, हमारा चेहरा लाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन वो उनकी गलती से हुआ है, उनको लगाने का सही तरीका नहीं पता। तो उस क्रीम को चलते हैं, उस क्रीम को कैसे लगाएं, कैसे यूज में लें जिससे हमारा चेहरा रेड ना हो। उस क्रीम को केवल नाइट में यूज में ले सकते हो, उस क्रीम के अलावा कोई भी क्रीम आप यूज में नहीं ले सकते हो। हाँ, वो अदरवाइज अलग बात होती है, लड़कियों की जो अपना मेकअप वगैरह करती हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ क्रीम के अलावा कोई क्रीम नहीं लगा सकते हो। सेकंड, उस क्रीम को लगाने के बाद दिन में सनस्क्रीन क्रीम आपको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो धूप से बचाएगी फेस को। अपनी जो स्किन सेल्स होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं, और इस क्रीम के अंदर हाइड्रोक्विनोन कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमारी स्किन सेल्स को डेवलपमेंट करता है, यानी जगाता है, जो हमारी बाहर की लेयर होती है उसको हटा देता है। तो इस कारण उस क्रीम को नाइट में लगाएं और दिन में कोई सनस्क्रीन क्रीम ज़रूर लगाएं। मैं खुद आपसे बोल रहा हूँ, आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ना ही कोई रेडनेस आएगी, ना ही कोई दिक्कत आएगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा आपका चेहरा, ना ही कोई स्पॉट रहेगा। जो लाइट बोलते हैं ना चेहरे पे, वो एक तरह की चमक बनी रहेगी। तो भाई, मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करें किसी मेडिसिन के लिए।